बाबा के एक मित्र थे संत, आयु में उनसे छोटे थे लेकिन बाबा उनसे खूब स्नेह करते थे, हरे राम बाबा, बहुत अच्छे संत थे हरे राम बाबा, जिनकी ये पुस्तक है करुण पुकार, भगवत प्राप्त संत थे। तो उनके प्रेमी मित्र संत थे और विरक्त संत थे, अच्छे संत थे ऐसा नहीं, पर एक दोष उनमें आ गया। दोष ये आ गया कि वे कुछ स्त्रियों के चक्कर में फंस गए और स्त्रियों का चक्कर तो ऐसा होता ही है। संत मलुकदास जी महाराज ने अपनी साखी में कहा है, नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार को, एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार। इनका कुसंग करके भवसागर से पार उतर गए, हमको ऐसा कोई फकीर नहीं मिला, ऐसा कोई साधु नहीं मिला। स्त्रियों की निंदा नहीं है, पर स्त्री मात्र साधक को यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो पुरुष मात्र के आकर्षण से अपने को बचाना होगा। पुरुष मात्र साधक को यदि भगवान की ओर बढ़ना है तो स्त्री मात्र के आकर्षण से अपने को बचाना पड़ेगा। यदि ऐसी सावधानी वह नहीं रखेगा, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वह भगवान की ओर बढ़ नहीं सकता है। विरक्त साधु के लिए परधन और परस्त्री को विष से भी भयंकर विष मानकर उसका त्याग करना पड़ेगा, और गृहस्थ व्यक्ति को परधन और परस्त्री का विष के समान त्याग करना पड़ेगा। ये काम कर ले गृहस्थ विरक्त और वो काम बन जाएगा, चाहे जिस जाति में पैदा हुआ वो काम बन जाएगा। राम राम करो काम बन। तो वो थोड़े से मार्ग से गड़बड़ाए तो बाबा ने उनको सावधान किया, लेकिन दोष तो दोष होता है, पर वो अपने आपको बचा नहीं पाए। कुछ काल बाद फिर अलग भी हो गए, कोई बात नहीं हुआ, थोड़े समय के लिए दोष आया और फिर उनका शरीर, कुछ समय बाद उनका शरीर पूरा हुआ। बाबा को समाचार मिला कि उनका शरीर शांत हो गया, बड़ी पीड़ा भी हुई क्योंकि इस घटना के बाद बाबा से उनकी थोड़ी दूरी हो गई थी। बाबा ने कहा था कि तुम जब हमारी बात सुनते मानते नहीं हो तो हमारा तुम्हारा राम राम। तो एक दिन बाबा भगवान की सेवा कर रहे थे, सत्य घटना है ये, तो वे महात्मा जो उनके प्रेमी थे वो सिर पर पगड़ी बांधे हुए, सुंदर रामानंदी तिलक लगाए हुए और बढ़िया महात्मा का वेश, सिर पे पगड़ी बंधी हुई है, घोड़े पर बैठ करके आए, घोड़े से उतरे, उन दंडवत किया उन्होंने, दंडोत गुरु भाई, दंडोत महाराज। अरे तुम तो पधार गए थे, मर गए थे, तुम कैसे आए, ये तुम्हारा ये स्वरूप, तुम बड़े जम रहे हो भाई, क्या बात है, तो कहाँ रहते हो, बाबा ने पूछा। बोले हम इस समय काशी में रह रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, हम इस समय काशी में रह रहे हैं और भैरव जी के अधीन हैं इस समय हम। क्यों? तो उन संत ने कहा, महाराज जी सच्ची घटना है, उन संत ने कहा कि यद्यपि हमें घोर नरक जाना चाहिए था लेकिन मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी और झूठा सच्चा कैसे भी मानस जी का पाठ करते थे, राम राम लेते थे, इसलिए हम नरक तो नहीं गए, लेकिन मरने के बाद हमको फिर दंड भोग के लिए उनके पास भेज दिया गया। किसके पास? भैरव जी के पास। तो बोले बाबा ने पूछा कि भैरव जी के यहाँ दंड, अरे बोले यम यातना से सैकड़ों भयंकर, सैकड़ों गुनी अधिक यातना है यमराज काल भैरव जी के यहाँ, भैरव जी के यहाँ भैरव यातना यम यातना से भी भयंकर है। और ऐसा कह के वे रोने लगे, तो कहा तुम्हें कष्ट? बोले मुझे कष्ट नहीं है। क्यों? भैरव जी मुझे वैष्णव महात्मा मानकर बहुत आदर करते हैं, हम कष्ट देखते हैं, जीवों को दंड देते उसको देखकर मुझे पीड़ा होती है, हमको वैष्णव मानकर वहां दंड नहीं दिया जाता है। अभी कहां से आ रहे हो? बोले भैरव जी विश्वनाथ जी की पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं अपने इष्ट की, तो उनकी पूजा के लिए देवराज इंद्र के बगीचा नंदन वन से
पुष्प लेके आ रहे हैं। बाबा ने कहा दिखाओ, उन्होंने दिखाए फूल। बाबा कहते ऐसे फूल मैंने देखे नहीं, धरती के फूल ही नहीं थे, दिव्य सुगंध। तो बाबा बोले हमको दे दो। हम ठाकुर जी को बोले नहीं नहीं नहीं, उनकी आज्ञा का हम उल्लंघन नहीं कर सकते, उनको उनको देंगे, उनसे पूछ कर दे सकते, उनसे बिना पूछे नहीं दे सकते। और बोले अब समय हो गया, हम जा रहे हैं, तो हमारे पास क्यों आए? बोले अब मुझे जहाँ पहुँचना है उस ठिकाने पर पहुँचाओ, मैं श्री सीताराम जी के चरण कमलों को प्राप्त करना चाहता हूँ। बाबा ने कहा कैसे, उपाय बताओ। बोले काशी में एक वर्ष तक वैष्णव ब्राह्मण एक वर्ष तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करें, मेरे निमित्त कीर्तन करें और द्वादशी को उनका पारायण कराया जाए, इस तरह से एक वर्ष का अनुष्ठान हो मेरे लिए, और फिर एक वर्ष के बाद एकादशी का विधिवत उद्यापन हो और उसका पुण्य मुझे अर्पित किया जाए, तो मैं भैरव यातना से मुक्त होकर नित्य साकेत प्राप्त कर लूंगा। बाबा बोले हम तो फक्कड़ हैं, पैसा छूते नहीं, पैसा रखते नहीं। बोले आप चाह लोगे तो सब व्यवस्था जुट जाएगी, आप हमारा उद्धार करो। तो बाबा ने आकर महाराज जी को सुनाया, महाराज जी ने उस पैसे की व्यवस्था की और वहाँ उनके कुछ परिचित सेवक थे काशी में, ब्राह्मण देवता थे चतुर्वेदी वकील साहब, उनके यहाँ गए तो वकील साहब बोले हम सहायता करेंगे, उनके शिष्य ही थे। तो उन्होंने फिर 10-12 वैष्णव ब्राह्मण मिले जो वैष्णवी दीक्षा से युक्त थे, वैष्णवता युक्त थे, उनको बुला करके पूरे वर्ष भर एकादशी कराई, कीर्तन कराया, द्वादशी को पारण कराते, दक्षिणा देते, और फिर उद्यापन जब हुआ तो बाबा ने कह दिया था कि देखो भाई ऐसे हम नहीं मानेंगे, तुम जब जाना तो हमको अनुभव करा के जाना कि हम साकेत जा रहे हैं, हम देखना चाहते हैं तुम्हारी सदगति को। बोले ठीक है। तो महाराज जी सत्य घटना है, काशी में उद्यापन हो रहा था और रामार्चन भी था, बोले उनके निमित्त रामार्चन, उद्यापन हुआ, रामार्चन हुआ, और जैसे ही ठाकुर जी की पुष्पांजलि हुई, चरणामृत प्रसाद दिया गया कि बाबा की वाणी से हमने सुना, बाबा कहते मैंने आँखों से देखा हमारे वो प्रेमी संत शरीर पर दिव्य पीतांबर सुशोभित हो रहा है, द्वादश तिलक हरी हरी और सुगंधित पुष्पों की माला से वे अलंकृत हो गए, पुष्पों से सजा हुआ पुष्पक विमान है, उसमें वो आए सामने इस रूप में, दंडवत किया और बोले कि अब हम श्री सीताराम जी के चरणों में जा रहे हैं। बाबा कहते मैंने अपनी आंखों से उनको विमान में बैठकर भगवत धाम जाते हुए देखा। तो बाबा कहते थे बच्चा जीते जी समझ में भले ही ना आवे, मरने के बाद भी समझ में आएगा कि तिलक लगाने की महिमा क्या है, तुलसी बांधने की महिमा क्या है। ये है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है, राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है, सभी गाइए, राम कृष्ण की प्यारी गैया।